खरगोन जिले के बड़वाह में मध्य प्रदेश सरकार ने गृह मंत्री बाला बच्चन ग्राम कटघड़ा स्थित गोपाल दास जी महाराज यानी मोनी बाबा के आश्रम में पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया और मां नर्मदा के तट पर पूजा अर्चना की। खरगोन लोकसभा सीट से गृह मंत्री बाला बच्चन की पत्नी मीला बच्चन का नाम खरगोन लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सबसे आगे चल रहा है। इसको लेकर गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि हाईकमान के द्वारा सर्वे किया जा रहा है किस लोकसभा सीट से किस दावेदार की उम्मीदवारी पर ज्यादा वोट पड़ेंगे और सीट कांग्रेस जीतेगी। सब पॉइंटों पर मंथन करके सर्वानुमति वाले उम्मीदवार को टिकट मिलेगा। मंत्री ने मीडिया कर्मियों की बात का जवाब देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शानदार स्थिति रहेगी। पिछले विधानसभा में जो वचन दिया था हमारी सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में उन वचनों पर तेजी से कार्य कर रही है। खरगोन जी की पहले आज तो हम बाबा जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। मेहता खेड़ी के जो मोनी बाबा हैं उनका आशीर्वाद लेने हम आए हैं और चुनाव के पहले भी हमको उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो माँ नर्मदा की पूजा पाठ करके माँ नर्मदा का आशीर्वाद और मोनी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने हम आए हैं। और आप लोगों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अभी जो होली धुलंडी और रंगपंचमी गई है इसकी मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो चुनाव में हाईकमान के द्वारा सर्वे चल रहा है कि किस लोकसभा सीट से किनके नाम पे किनकी उम्मीदवारी पे अधिकतम वोट पड़ेंगे और सीट कांग्रेस जीतेगी। तो सब पॉइंट ऑफ व्यू से नाम तय हो पाएंगे वही नाम तय होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्वानुमति वाला उम्मीदवार चाहे वो खरगोन बड़वानी लोकसभा की सीट हो चाहे इधर दूसरी जगह खंडवा बुरहानपुर या मध्य प्रदेश की अन्य सीटें जो हो माननीय कमलनाथ जी और हमारा जो जितना भी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके नेतृत्व में सर्वे हो रहा है और सोच समझकर और जो जीत सकेंगे उन्हीं को उम्मीदवार बनाए जाए।